वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान से 2 टीमें बनाई हैं और स्पेशली जो हमारा मुल्तान में कैंप लगा था उससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा न्यू टैलेंट मिला है और इमर्जिंग प्लेयर सामने आए हैं और उसके कम्बिनेशन से मुझे पाकिस्तान की टीम थी और वो दोनों टीमें बना के हम लोगों ने बॉयज़ के साथ मैचेस रखे हैं। बॉयज़ के साथ मैचेस करवाने का मकसद ये था कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हम लोगों को बेहतर मिले क्योंकि हम लोग मेगा इवेंट खेलने जा रहे हैं और वहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है काफ़ी हाई है। तो होपफुली कि यहाँ पे जो लड़कियाँ मैचेस खेलेंगी बॉयज़ के साथ इनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी वर्ल्ड कप के लिए और काफ़ी कुछ लोग सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ट्रायल मैचेस कभी हुए भी नहीं और इट्स रियली नाइस स्टेप क्योंकि एक अननोन टीम का आना फिर उसके अगेंस्ट परफॉर्म करना क्योंकि हम आपस में खेल के बहुत फेमिलियर हुए हुए हैं तो इट्स रियली नाइस प्रेप फॉर द वर्ल्ड कप। तो कोशिश यही की कि वर्ल्ड कप में जाके बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश करें ताकि पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड मैप में और बेहतर पोजिशन में ला सकें। वर्ल्ड कप के लिए अच्छा कैंप है, लड़कियों के लिए तैयारी बहुत अच्छी हो रही है इस कैंप में और सिलेक्शन भी है इस कैंप से। और अपनी बात की जाए तो मेरा ध्यान एज अ ऑलराउंडर है और इंशाल्लाह फोकस ये है कि अच्छे से अच्छा करूँ टीम के लिए। हर लड़की को इक्वल चांस मिलेगा और हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश यही रहेगी कि अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दें, अपना 100% दें और ताकि बाद में किसी चीज़ की कोई रिग्रेट ना रहे। इस कैंप में हम लोग फ़ाइनल टीम बना लेंगे, इनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे कि बॉयज़ के अगेंस्ट ये लोग कैसे खेलते हैं और लास्ट मैच जो बेस्ट इनकी 11 की टीम होगी लड़कियों के आपस में मैच खेलेंगी और जो हम लोगों को बेस्ट प्लेयर्स लगेंगे जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है और जो लास्ट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देते आ रही हैं उन चीज़ के कम्बिनेशन से हम लोग फ़ाइनल टीम इस कैंप में बना लेंगे। और इसके बाद जो लड़कियाँ सेलेक्ट हो जाएंगी और जो रिज़र्व प्लेयर्स हैं उनका हम लोग कैंप लगाएंगे यहीं कराची में और उसके बाद यहीं से फिर टीम ट्रैवल कर देगी वर्ल्ड कप के लिए।